अरे गाइस, मैं आ गया हूँ होगेनाकल वाटरफॉल्स, और अभी मैं बढ़ रहा हूँ कावेरी नदी के तरफ, जहाँ पे हम लोग बोटिंग करने वाले हैं। मेरे साथ है प्रतीक, और हम लोग के साथ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हुई है। इस स्टेट को अलग करके कंट्री घोषित कर देना चाहिए। यहाँ पे ना लोगों को हिंदी समझती है, ना लोगों को इंग्लिश समझती है, ना पार्टियों पे इंग्लिश लिखा है। हम लोग गए एक होटल में, वहाँ पे उसको बिल पूछे कितना हुआ, तो उसको 35 बोलना नहीं आ रहा। वो 35 कर रहा, हमको क्या समझ रहा 35 क्या होता है करके। फिर उसके बाद ऑटो वालों के साथ बैठ के गए, तो ऑटो वालों को 10 रुपये बताना नहीं आ रहा, वो 5 कर रहे हो, 5। हर चीज़ को डिवाइड करके 5 बोल रही है। 5 और 30 के मल्टीपल इधर चलता ही नहीं है, पता ही नहीं हो क्या सीन है इन लोग का। फिर उसने हमको नोट दिखाया कि ये नोट चाहिए, मैं बोला पक्का दूसरी कंट्री में आ गए हम लोग। बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस रहा। भाई और ये हमारी बोट जा रही हो, बच्चा लेके जा रहा है चप्पू के साथ। अभी देखते हैं, हम लोग वाटरफॉल तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया है, तो काफ़ी पुलिस वाले वगैरह है, तो कोई किसी को जाने दे नहीं रहे। वो लोग एंट्री बंद करके रखे हैं उन लोगों ने। लेट्स होप कि अभी कैसा रहता है। हम लोग को एक बंदा मिला है, उसको बोले हम लोग ज़बरदस्ती करवाने के लिए, अभी देखते क्या होता है। हम लोग को कुछ 1.5 किलोमीटर तक की बोटिंग करवाएगा ये बंदा, देखते हैं थोड़ा सा और नेगोशिएट करते हैं उससे। और क्या बोलता प्रतीक यार, सो सैड वाटरफॉल नहीं देख पाए अपन, मेन चीज़ जो देखने की। लेकिन ये जगह बहुत पीसफुल है, बहुत ही पीसफुल है, एकदम एपिक जगह। और हम लोग आ गए रिवर बैंक के पास में। ये रहा रिवर, सराउंडेड बाय माउंटेंस। अभी हम लोग हमारे बोट में बैठते हैं, मिलते हैं।